Assalamualaikum everyone, hope you are all fine. Dear all students, in this lecture we will discuss on De Morgan's law. So for De Morgan's law we have need the both formulas A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. Other one is A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. So for the De Morgan's law we have need the question and then we proved it by De Morgan's law. So question is that if universal set is given 1 2 3 4 5 and A is equal to 1 2 and B is equal to 2 3 then prove De Morgan's law. अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन पे हमें डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है. लेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 एंड हमारे पास ए सेट जो होगा 1 2 एंड बी हमारे हमें गिवन है 2 3. सो अब हम इस पे जो है डी मॉर्गन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन करेंगे. जैसे हमारे पास 1 2 हैं तो हम फर्स्ट जो है फार्मूलाज को यहाँ पर लिख देते हैं. ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सो हियर वी हैव राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूलाज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड. अब हम इन दोनों पे जो हैं ए और बी जो है सेट को लेकर हम इसको प्रूव करेंगे. सो इसमें इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे कंसीडर किसी भी एक साइड को हमें कंसीडर करना है. लेट सपोज हम राइट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हैं पहले. सो हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सो वन बाय वन पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे देन हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे देन हम इन दोनों को आपस में रखेंगे. अब बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट बाय माइनस ए होगा. अब इसमें हम क्या करेंगे पहले तो यूनिवर्सल सेट के मेंबर रखेंगे जो हमें गिवन है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के और इसी तरह से डिफरेंस ये हमारे पास डिफरेंस सेट की सैम्बल हैं. ये हम मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है कि ऑपरेशन ऑन सेट में कि हम यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस कैसे फाइन करते हैं किसी भी दो सेट में या मोर देन टू सेट में ना किस तरह से अप्लाई होता है. ओके इसके बाद हम एक एलिमेंट लिखेंगे. एक एलिमेंट हमारे पास जो हैं 1 2 हैं. सो अब डिफरेंट सेट में हम क्या करते हैं जो हमारे पास डिफरेंट सेट में होता है वो हमारे पास नंबर माइनस हो जाते हैं. ठीक है तो अब ये हमारे पास 1 भी नहीं आएगा 2 भी नहीं आएगा. तो अब इन दो इनके अलावा जितने एलिमेंट हैं वो इस सेट में आएंगे जैसे 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया. अब ये जो हैं ये आएंगे क्योंकि ये इस सेट में नहीं है. ओके तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया. इसी तरह से अगर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर देखें तो सेम हम पहले डेफिनेशन अप्लाई करेंगे यू माइनस बी. अब इसी तरह से हम यूनिवर्सल सेट के जो हैं मेंबर रखेंगे पहले उसके बाद डिफरेंस करेंगे बी के साथ. अब यहाँ पर हमारे पास जो है बी के एलिमेंट है 2 3. अब इसमें जो है 2 3 माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 और 3 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा 1 4 5. अब ये हमारे पास जो है बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया. अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है. नाउ जैसे हमारे पास हमने जो कंसीडर किया था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट व्हाट वी गेट. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे राइट द सेट ऑफ द ए कॉम्प्लीमेंट. अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया एंड बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया. अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन करना है. सो पहले हम क्या करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर रखेंगे एंड इंटरसेक्शन एंड इसके साथ हम जो है बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर रखेंगे. अब हमें क्या देखना है इंटरसेक्शन में हमें ये बताना होता है कि हाउ मेनी कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट. अब यहाँ पर अगर हम कॉमन एलिमेंट की बात करें तो वी हैव ओनली 2 कॉमन एलिमेंट 4 एंड 5. सो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो हमारे पास होंगे 4 5. ओके सो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 5. अब इसी तरह से हमने ये राइट हैंड साइड को कंसीडर किया था. अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ कंसीडर. अब यहाँ पर हम नाउ कंसीडर करके लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड. ओके अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. अब ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड में है. ठीक है लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी राइट हैंड साइड हमने ये डिफाइन कर दी. ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड थी. ठीक है
अब लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि हम ए कॉम्प्लीमेंट को जैसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, जैसे हमने बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा यूनिवर्सल माइनस बी, अब इसी तरह से हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख सकते हैं कि यू माइनस ब्रैकेट में ए यूनियन बी। तो ये इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट के फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट माइनस ब्रैकेट में ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। ये हमारे पास जो हैं यू के एलिमेंट जो हैं यहाँ पर गिवन है 1 to 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 to 5 तक हो गया, ठीक है। अब इसके पास बाद हमारे पास होगा डिफरेंस, और ये हमें ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे। सॉरी, हमने ए यूनियन बी इसमें देखते हैं, नहीं हमने यहाँ पर कंसीडर किया था, पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी। सो ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ए के एलिमेंट्स रखेंगे जो कि 1 2 हैं, यूनियन करेंगे फिर बी के एलिमेंट्स के साथ, बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 3 हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3, ओके। तो ये हमारे पास फार्मूलाज थे, इनको ऐसे साइड पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी की जगह पे हमने ए यूनियन बी का सेट रखा, ठीक है। अब वही डिफरेंट सेट अप्लाई करेंगे, जैसे 1 2 3 माइनस हो गया, तो यहाँ से भी 1 2 3 माइनस हो गया, ठीक है। तो अब इसी तरह से 1 2 3 माइनस हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या रह गए, 4 5 रह गए। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमने देखा कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो अब हमने देखा कि दोनों साइड जो हमारे पास, जैसे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूव हो गई। जैसे कि यहाँ पर हमने कंसीडर किया था यहाँ पर राइट हैंड साइड को, ठीक है, राइट हैंड साइड हमने फाइंड की, ये हमारे पास राइट हैंड साइड फाइंड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया है। फिर हमने कंसीडर किया लेफ्ट हैंड साइड को, फिर इसी तरह से हमने फाइंड आउट किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। तो अब देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब जैसे देखें, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल सेट है, तो यहाँ पर हमने लिखा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि हमारा ये अब प्रूव हो चुका है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट फार्मूला जैसे अप्लाई किया है, अब सेकंड को भी हम इसी तरह से करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि सिमिलरली आप इसको जो है वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे कि लेट सपोज हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंसीडर किया है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, देन हम उसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जब होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, फिर फाइनली हम उनको जो है आपस में यूनियन करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था डी मॉर्गन्स लॉ पे, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।